हर किसी की एक अलग कहानी है और उसमें शायद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए रही वो मेरे माँ बाप का सपोर्ट और मेरे भाइयों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा। ओब्वियसली लड़कियों के लिए जर्नी बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाती है सिंस हम पे समाज के बहुत सारे एडिड प्रेशर होते हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट ओब्वियसली हमेशा हो रही है, उसके अलावा रिश्तेदारों का प्रेशर बहुत ज़्यादा लड़कियों पे बहुत ज़्यादा खास कर रहता है, तो वो एक हमको और एक्स्ट्रा प्रेशर प्रोवाइड कर देता है। टेंथ रैंक आप अभी, तो कितना मुश्किल या कितना आसान रहा ये सफर आपका? सफर तो मुश्किल होता है, थोड़ा लंबा भी होता है, लेकिन आप किसी लक्ष्य के पीछे जब चलते हैं, लक्ष्य के तरफ चलते हैं, तो फिर आप ये सोच कि रास्ता आसान था या मुश्किल। आपने रास्ता तय करना था, मैंने रास्ता तय करना था, तो मैंने किया, बस मुझे मुश्किल आसान नहीं लगा। बहुत बड़े अधिकारी बन गए, बहुत ही कांटों की राह पे चलोगे आप भविष्य में, बहुत ही मतलब नालायक और निकम्मे लोगों से आपका वास्ता पड़ने वाला है, जो आपराधिक परिवृत्ति के लोग हैं। हमारे पास बीच में एक और होनहार छात्र आ चुके हैं, राजेंद्र चौधरी डोटी जी, उनका हार्दिक स्वागत है। पिताजी उगमा राम चौधरी जी ग्राम सेवक हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर नागौर राजस्थान से। मोहिनी देवी माता जी किसान हैं और एक किसान पुत्र आज हमारे बीच मंच पर मौजूद है, और इतने बड़े अचीवमेंट के साथ हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इनकी स्कूलिंग डीडवाना से हुई है, ग्रेजुएशन आईआईटी खड़गपुर से बीटेक हैं एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग में। करंटली ये आईसीएएस में हैं, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज में, और इनका सब्जेक्ट रहा है हिंदी लिटरेचर। राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और ढेरों ढेरों बधाइयाँ, धन्यवाद। अब इसी कड़ी में हमारी बिटिया है कनिका, मेरा अनुरोध रहेगा कृपया वो मंच पर आए, और संजय जी और मुकेश जी पगड़ी पहनाकर बिटिया का अभिनंदन करें। इनके मन में एक बीज कहीं ना कहीं ये बोया गया होगा माँ बाप के द्वारा कि बेटा तुमको यहां जाना है, तुमको ये बनना है। कई बार कहते हैं कि हमारी किस्मत ऐसी थी, हमारी किस्मत वैसी थी, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, लेकिन ये बच्चे इस बात के गवाह हैं कि जहां चाह होती है राह वहीं से निकलती है। इन बच्चों का त्याग और इनकी मेहनत आज इन्हें इस मुकाम तक लेकर आई है। यहाँ बैठे हुए तमाम बच्चे इस बात को अपने मन में बैठा लें, नरेश जी कि मेहनत का, कठिन परिश्रम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मिलेगा उसे ही जो मेहनत करेगा, कठिन परिश्रम करेगा इन बच्चों की तरह। आज इन बच्चों को पगड़ी पहनाकर आप सब यहाँ पर इन बच्चों को जो सम्मान दे रहे हैं, दरअसल ये सम्मान इनकी मेहनत को है, इनके माँ बाप के त्याग को है, परिश्रम को है। इनके माँ बापों ने जो मेहनत और जो गाइडेंस इनको दी, जो एक बीज इनके मन में बोया अल्पायु में, वही बीज है जो आज एक इतना मजबूत दरख्त बनकर आपके सामने खड़े हैं। मेरा रैंक 64 आया है इस एग्जाम में और ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। मैं सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मैसेज जरूर दूंगी कि देखिए यूपीएससी एक फील्ड है करियर बनाने के लिए, आपका जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट है उसमें करियर बनाइए। पेरेंट्स को मैं यही कहूंगी कि जितना बच्चा पढ़ना चाहता है उसको उतना पढ़ने दीजिए, अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो पूरा जान लगा दीजिए, जितने अटेम्प्ट हैं सब दीजिए और कभी ना कभी तो हो जाएगा। देयर इज नथिंग लाइक कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एक भी स्टेज क्लियर नहीं हुआ तो आपका वो ईयर वेस्ट हो गया है। मेरा लगातार 3 अटेम्प्ट्स में प्रिलिमिनरी स्टेज नहीं क्लियर हुआ था एंड दिस इज माय फोर्थ अटेम्प्ट, आई क्लियर्ड ऑल द स्टेजेस विद अ फाइन रैंक। सो अब मैं अनुरोध करूंगा शुभम शुक्ला जी से कि वो मंच पर आए और तो देकर जी को
मेरा नाम शुभम शुक्ला है, मेरी रैंक 43 है इस बार। ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। मैंने 5 साल पहले तैयारी शुरू की थी, यहीं से पास में मेरा कॉलेज है राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे, जगह पिलानी में, तो वहीं से मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी। और मैं कुछ शब्द अपने इस तैयारी शुरू करने के पीछे की कहानी के बारे में बताना चाहूँगा। तो मैंने अपना स्कूलिंग पूरे कोलकाता में की है, एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। फिर मैं वहां से गया पिलानी। पिलानी में ऐसा था कि कॉलेज के अंदर सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, बट कॉलेज के बाहर एक अलग दुनिया थी, एक अलग भारत दिखता था। तो NSS जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम होता है, जिसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स जाके काम करते हैं गाँव में, बच्चों के साथ पढ़ाते हैं गाँव में, हेल्थ वेल्थ पे काम करते हैं, तो मैं उससे जुड़ा थे कॉलेज में। और मैंने एक पुराने के पास के गांव में एक अलग भारत देखा था, जिसमें उस लेवल की सुविधाएं मोहल्ला लोगों को नहीं कराई गई थी। और तभी मुझे एक चीज खटकी, मुझे लगा, एक अंदर से एक बोलते हैं एक आवाज आती है कि जो मैं इस देश के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए, सामाजिक आर्थिक पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी के लिए इंजीनियर बन के कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक IAS या एक IPS बन के कर सकता था। और उस दिन मैंने जाना था कि नहीं, अब करना है तो गवर्नमेंट में जाना है, गवर्नमेंट में भी जाना है तो ऐसी जगह जाना है जहाँ पे आप सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर पाओ, एक अपने अपने हाथ में जो आपका हाथ रहे उसके ऊपर। तो उसी दिन से मैंने मन बना लिया था कि सिविल सर्विस में जाऊंगा। उस दिन को बीते ऑलमोस्ट 6.5 साल के आसपास हो गया, तैयारी शुरू की है 5 साल हो गया, बट अब जाके लग रहा है कि अब वो मुकाम हासिल हुआ है कि जहाँ पे हम एक किसी एक आदमी जो इसके सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंची गई हैं, उनको उनके उसके उसके घर तक, उसके द्वार तक हम एक सरकारी सुविधाएं, कुछ तरह के फैसिलिटीज पहुंचाया जा सके जिससे उनका जीवन बेहतर हो। के द्वारा होना है। चौधरी उमराव सिंह सांगवान जी, युद्धवीर जी, हाँ जी, एक फोटो ये सारे आ जाओ साथ, एक मिनट सर, इधर साथ हो जाओ। किरण सिंह रंधावा जी का अभिनंदन करते हुए हमारे बुजुर्ग और हमारे साथी तमाम, एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम लोग पुनः अभिनंदन करेंगे। मेरा नाम हरकीरत सिंह रंधावा है। जैसे कि आपने सुना, मेरी 10th रैंक आई, लेकिन शायद आप ये ना जानते हो कि ये एग्जाम, ये प्रेपरेशन मैंने आज से 10 साल पहले शुरू करी थी, जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था और मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया। पहले 2 अटेम्प्ट्स में मैं प्रिलिमिनरी एग्जाम में फेल हो गया, फिर मेन एग्जाम में फेल हुआ, और इससे पहले वाले अटेम्प्ट में, 5वें अटेम्प्ट में मैं प्रिलिमिनरी एग्जाम में दोबारा फेल हो गया। मैं आप सबको, जो युवा हैं, जो किसी भी उम्र के हैं, जो किसी भी फील्ड में किसी भी तरफ स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आप जिस भी कोशिश में पड़, जिस भी मुश्किल के सामने आप खड़े हैं, जो भी चैलेंज आपके सामने एक पहाड़ बन के खड़ा है, आप में वो क्षमता है कि आप उस पे चढ़ें, कि आप आगे जाएं। मैं ये कहूंगा कि कुछ हद तक जो मेरे पहले फेलियर थे, या किसी के भी जो फेलियर होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि हम अपने आप को ठीक से समझ नहीं पाते, या दुनिया को समझ नहीं पाते ठीक से, तो फिर हम गलत दिशा में चल पड़ते हैं, हम गलत सोच रखते हैं, हम ठीक से अपनी मेहनत को रिजल्ट में नहीं बना पाते। तो इस अटेम्प्ट में, ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट था और मेरी एज लिमिट भी आ गई थी, तो इस अटेम्प्ट में मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं जिस कारण इस तरफ आया, कि क्यों मैंने ये एग्जाम देना शुरू किया, क्या मेरा मोटिवेशन था, मैं उसको दोबारा सोचूं, रीडिस्कवर करूं। कि मैं एक हद तक ये सोचने पड़ गया था कि मैं बाकी लोगों की तरह एक भेड़ चाल में एग्जाम दूं, ऐसा नहीं है। मैं एक सपना अपने माइंड में, अपने दिल में रख के चला था कि मुझे एक पर्टिकुलर सर्विस मेरे माइंड में थी कि मैं इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करूं, जो भारत को बाहर की दुनिया में, दूसरे देशों में, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सामने रिप्रेजेंट कर सकें, भारत का नाम ऊंचा कर सकें।
मुझे ये नहीं लगा कि मैं इस जिंदगी में इससे कोई बेहतर या बढ़िया काम मैं कर पाऊंगा, तो मैंने ये ठान लिया था कि चाहे मुझे कोई भी अटेम्प्ट लगे, चाहे मुझे कितना टाइम लगे, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं पूरा अपना जितनी मेरी एफर्ट है मैं डालूं। तो जो भी किसी भी स्ट्रगल में है, जो किसी एज में है, अगर आपको लगता है कि आपकी एज ज्यादा हो गई है, तो मैं कहूं मैं 32 साल का हूं, तो 32 ही इसकी एज लिमिट है, मैं उसी के नीचे आया। और अगर आपको लगता है कि आपके जो सपने का कोई बैकअप प्लान नहीं है, कि अगर आप ये सपने में फेल हो गए तो आप पीछे क्या करेंगे, मेरा कोई बैकअप प्लान नहीं था। मैं नहीं मानता कि कोई असली सच्चे सपने का बैकअप प्लान होता है, प्लान का बैकअप प्लान होता है, सपने का कोई बैकअप सपना नहीं होता, सपना एक अटूट होता है। तो अगर आप अपने मन में कोई भी सपना सच्चे दिल से आप उसको लेके चले हैं, तो आपकी मदद कहाँ से आएगी, कौन करेगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। पूरी दुनिया, पूरी कायनात, सारा समाज आपको समझ भी नहीं आएगा कैसे आपको आशीर्वाद देगा, कैसे आपको हेल्प करेगा। तो प्लीज जब आप उस घड़ी में हो, जब आप वो अंधकार के मोमेंट में हो, जैसे आप फेलियर पे फेलियर पाए जा रहे हैं, आप पा रहे हैं कि आप जितनी मेहनत करें दुनिया में कोई और आगे बढ़ जाता है, अगर आप ये सोचते हैं तो आप ये जाने कि आपका भी टाइम आएगा। और मैं ये कह दूं, मैं एंड करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने ट्रू ड्रीम को, सच्चे ड्रीम को सिंसियरिटी से फॉलो करें, तो आपका सिर्फ टाइम नहीं, आपका जमाना आएगा। तो आखिर लास्ट व्हाट आई वुड लाइक टू से इज के भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को डाउट्स हो रहे थे बैटलफील्ड पे कि क्या वो युद्ध में आगे बढ़े, क्या वो आगे बढ़े और जो उनको करना है, जो उनका कर्म है वो करें, क्या वो डर से पीछे हट जाएं, क्या वो डाउट में रहें, तो निष्काम कर्म, ये आप अपनी लाइफ में एक मंत्र बनाएं कि आपने अपनी एफर्ट करनी है, आपने अपना डेडिकेशन पूरा रखना है, उसके आगे दुनिया आपको क्या देती है क्या नहीं देती वो दुनिया के हाथ में है, पर आपका डेडिकेशन टोटल, आपका सच्चा सपना और आपका रास्ता अपना। और मैं ये कहूंगा कि मेरे जो मदर फादर हैं, मेरे पेरेंट्स, इन्होंने मुझको 10 साल कभी ये नहीं कहा कि तुम कोई छोटी जॉब कर लो, तुम इधर लग जाओ, तुम बाहर चले जाओ, तुम, मुझे कभी भी ये नहीं फील होने दिया कि मैं ये नहीं कर सकता। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जो पेरेंट्स हैं, अगर आपके बच्चों में आपको कोई भी सपना दिखता है, कोई भी स्पार्क दिखता है, तो उसे प्लीज उसको ऑक्सीजन दें, उसे बढ़ाएं, उसमें आप ईंधन डालें, उसको बुझाएं ना, उसको बुझने ना दें, क्योंकि वो किस दिन आपके लिए क्या रंग लाएगा आप नहीं जानते, वो नहीं जानता, लेकिन दुनिया जानती है, भगवान जानते हैं। तो मैं उसी स्पेंड करना चाहूंगा, आप प्लीज जो भी कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हैं, जिस स्ट्रगल में हैं, प्लीज हार ना माने, मैंने हार नहीं मानी, और अगर मुझे सफलता मिल सकती है तो आप लोगों को मुझसे ज्यादा ही मिलेगी, ये मेरा आप लोगों के सबसे बड़ा थैंक यू। सर, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरकीरत सिंह रंधावा है। हरकीरत सिंह जी, आपने शायद 8th या 9th रैंक कर रहे हैं। 10th रैंक आप। तो कितना मुश्किल या कितना आसान रहा ये सफर आपका? तो मुश्किल होता है, थोड़ा लंबा भी होता है, लेकिन आप किसी लक्ष्य के पीछे जब चलते हैं, उसके तरफ चलते हैं, तो फिर आप ये महसूस होते कि रास्ता आसान था या मुश्किल। आपने रास्ता तय करना था, मैंने रास्ता तय करना था, तो मैंने किया, बस मुझे मुश्किल आसान नहीं लगा। कितने अटेम्प्ट्स आपने किए? जो 6 होते हैं, 6 के लिए मैंने टोटल, ये मेरा 6th अटेम्प्ट था और ये मेरी एज लिमिट है। बिल्कुल। और जो लोग अभी भी इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कई बार निराशा हो जाती है, होगी 5 वर्ष, लेकिन अगर निराश होते हैं तो इसका मतलब आपके मन में उस चीज़ के बारे में कोई अटैचमेंट थी, आपका वो सच्चा ड्रीम था, तभी आप निराश हुए। अगर आप निराश बिल्कुल भी ना हो, फिर आप सोचे कि वो ड्रीम नहीं था आपका, अगर आपके आंसू ना निकले उसके फेल होने पे, तो वो क्या ड्रीम है। लेकिन उसके बाद आप आगे बढ़ें, तो अपनी फेलियर को अपने पीछे रखें, उससे कुछ सीखें, तो फिर जो भी सिचुएशन में है, चाहे आपका पहला अटैम्प्ट है, चाहे आपका लास्ट ही नहीं करा, आप उसको फ्रेश एक परस्पेक्टिव से लें, पिछले फेलियर को अपने ऊपर एक बोझ ना समझे, उसको अपने लिए एक शिक्षा माने और उसके बेसिस पे आगे बढ़े और डरे ना। बड़ी उत्सुकता से बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं आज के इस कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम के आप सब गवाह हैं, और आपकी उपस्थिति ये बताती है कि आज गांव का किसान, एक बार साथ खड़े हो जाओ, गांव का मजदूर, साथ खड़े हो जाओ, गांव का गरीब, एक आराम से आज उसका रुझान पढ़ाई की तरफ हो गया है, बस भाई बस, और कहीं ना कहीं वो
अपने बच्चों को, चाहे उसे अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़े, बेचनी पड़े, कर्जा लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन आज एक ही गांव के लोगों में जुनून है कि कुछ भी करके वो अपने बच्चों को एजुकेशन दे दे। हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन के दिल्ली के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र डागर जी हैं, दलजीत जी हैं, प्रदीप फोगाट जी हैं, संजीत तैलान जी हैं, एडवोकेट पुनीत शोरान जी। समाज के सभी गणमान्य व्यक्तियों के चरणों में मेरा प्रणाम। मंच के दूसरे पक्ष में उपस्थित आज के इस कार्यक्रम की मुख्य कड़ी, जिसकी वजह से हम सब लोगों को यहाँ पे इकट्ठा होने का मौका मिला, समाज के उगते हुए सूरज, जिनको मैं अपने करियर के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे के कुछ वक्त हमें साथ गुजारने का मौका मिले और वो हमारी जिंदगी के काफी बेहतरीन पलों में से कुछ हो। सामान्यतः इस प्रकार के जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें सामने बच्चे होते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, तो उनके साथ में हम अपने कुछ अनुभव साझा कर लेते हैं। लेकिन अभी जो मैं दर्शक दीर्घा में दिख रहा हूँ वो सब मेरे से उम्र में और अनुभव में मेरे से ज्यादा हैं। तो बहुत कुछ मेरे पास आपको कहने के लिए नहीं होगा, लेकिन जो मेरे कुछ अनुभव है वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। बहुत पहले करीब जब मैं 8वीं क्लास में था, तब उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था और हमारा जो संवाद होता था वो अक्सर लेटर के माध्यम से होता था। तो एक बार उनकी एक चिट्ठी मिली मुझे और वो चिट्ठी आज भी मैंने संभाल के रखी है। उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, तो उसे मैंने कई बार पढ़ा और उसमें इमोशनल टच भी था। उन्होंने बोला कि मैं प्रशासन के एक छोटे से हिस्से में हूँ और यहाँ पे मैं लगभग हर दिन के बेसिस पर SDM, DM इन लोगों से मेरा मुलाकात होता रहता है। तो एक चीज मुझे लगती है कि ये जो पोस्ट होती है, ये जो पद होता है और ये जो ऑफिस होता है, इस ऑफिस में इतनी क्षमता होती है, इतनी ताकत होती है और इनके ऊपर इतना दायित्व और कर्तव्य होता है कि ये समाज के हर एक व्यक्ति और स्पेशली जो, जैसे इसमें गांधी जी के जंतर के लिए हमें जो एक व्यक्ति होता है जो समाज के अंतिम पायदान पर उपस्थित होता है, जिसे हम अंत्योदय के अंदर भी बोलते हैं कि जो अंतिम व्यक्ति होता है, वहां तक वो अपनी सेवाएं पहुंचा सकते हैं और उसके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस तरह रिसोर्सेज अवेलेबल है, यूट्यूब पे ऑलमोस्ट सारे टॉपर्स के वीडियोस अवेलेबल हैं जो उन्होंने अपनी यात्रा को बताया है। तो तरीके हैं जहां अपनी गलतियों को हम सुधार सकते हैं, तो ये एक चीज कीजिए। दूसरा, जब भी मेरा इस प्रकार का कोई भी संवाद होता है तो मैं एक काइंड ऑफ मिशन बना लिया है मैंने इस चीज को, कि मैं एक मुद्दे पे हमेशा चर्चा करता हूं और वो है ये, क्योंकि मुझे लगता है कि आज इसका इम्पोर्टेंस बहुत लोग नहीं समझ रहे हैं। हमारी इसी कड़ी में एक हमारी दिल्ली देहात की बेटी ज्योति यादव जी, जो कि चित्तौड़गढ़ से रात को ट्रेन में बैठी आज के प्रोग्राम में पहुंचने के लिए, तो उनके फादर साहब का फोन आ गया, हम 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। और 2-3 बेटियां हमारी जिन्होंने अपना रैंक सुधारा है, जो पहले IPS में थी या IRS में थी, वो किन्हीं कारणवश छुट्टी ना मिल पाई, हैदराबाद में ट्रेनिंग में है, तो उनका भी नहीं पहुंचने के बाद भी उनके जो पेरेंट्स आए हैं, हम उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। अब इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारी बेटी है इशिता राठी, जिनका रैंक है 8। जोरदार तालियां बजाइए। मैं निवेदन करूंगा बिटिया से कि वो मंच के बीच में आए और मुकेश जी और संजय जी पगड़ी पहनाएंगे और बाकी हमारे साथी जो खड़े थे उनसे निवेदन है कृपया वो आए। और जब आप किसी काम को करने के लिए तत्पर होते हैं तो उस काम में आपकी आस्था हो जाती है, आपकी श्रद्धा हो जाती है, और जब ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो आपको जरूरत होती है एकाग्र मन की। जब आप इन तीनों चीजों को, तीनों गुण आपके अंदर आ जाते हैं, तब
इतनी बड़ी उपलब्धि आप हासिल कर पाते हैं। डॉक्टर हेमचंद्र जैन जी, इनका आशीर्वाद हमें मिला और ये शानदार ऑडिटोरियम और ये शानदार कार्यक्रम, ये सफल कार्यक्रम आज आप लोगों की सहभागिता से संपन्न हुआ। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, बदलते वक्त के साथ बिजनेस करने का तरीका भी बदलना पड़ता है साहब। ए टू जेड वेब इन्फोटेक सर्च कीजिए और पाइए अपनी वेबसाइट सबसे अच्छे दाम और असिस्टेंस के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9540809665448745636। वेबसाइट www.a2zwebinfotech.com। हमारे बीच में हमारी बिटिया ज्योति यादव, जिनका इंतजार था, वो पहुंच गई। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम बिटिया का अभिनंदन करेंगे। इनकी स्कूलिंग हुई है कृष्णा मॉडल स्कूल नजफगढ़ से, तो हमारे एनसीआर के बच्चों ने सचमुच बहुत कमाल किया हुआ है, कोई शक नहीं है। ग्रेजुएशन की है इन्होंने लेडी श्रीराम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मास्टर्स है मैथमेटिक्स। ममता जी हमारे बीच में, उनसे भी निवेदन है, वो भी मंच पर आए। सुखदेव पर आए, जो भी बिटिया के साथ आए, मेरा निवेदन है वो मंच पर आए। भाई तालियों में कंजूसी मत करो। लड़कियों की कॉलेज एजुकेशन उनसे उतनी ही दूर है जितनी उस वक्त थी जब मैं कॉलेज करना चाहती थी। अभी भी हमारे यहाँ ये एक सोच का इशू है। पैसों की कमी नहीं है हम लोगों के पास, वो एक सोच की कमी है कि वो लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। हम दहेज में लाखों दे देंगे, हम शादी में लाखों खर्च करेंगे, पर हम बेटी की पढ़ाई में उसको उतना योगदान नहीं देंगे जितना शायद अगर वो उसे मिले तो वो लड़कों से तो बहुत ही आगे निकल सकती हैं। हाँ जी, मतलब आई थिंक अभी स्टेज पे जितनी लड़कियां बैठी हैं वो एक लिविंग एम्बॉडीमेंट है कि मैक्सिमम आपको लड़कियां दिखाई देंगी। मैं जिस भी फंक्शन में जाती हूँ जहाँ ज्यादातर लड़कियां होती हैं, टॉपर्स इस बार तीनों लड़कियां हैं, तो एक लड़की होने के नाते मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी जो समाज में जगह है वो बना रहे हैं, अपनी मेहनत से बना रहे हैं। अगर हमें रिसोर्सेज कम भी मिल रहे हैं तो भी हम आगे निकल के आ रहे हैं, तो ये दिखाता है कि लड़कियां हैं तो किसी से कम नहीं है, बल्कि कम ज्यादा ही है। अभी एक प्रैक्टिकल सी चीज है, वर्किंग वुमेन हमारी सबकी फैमिलीज में बहुत सारी हैं, वो जॉब करती हैं, जॉब में भी परफेक्ट होती हैं, अपना घर भी संभाल रही होती हैं, बच्चों को भी संभाल रही होती हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रही होती हैं, और उसके बाद भी अगर हमको कमतर आका जाए तो ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट अगर बाकी लोग लेके देखें तो पता चलेगा कि आपको कितनी मेहनत करनी होती है एक अपनी जॉब को, अपने काम को, अपने परिवार को मैनेज करने के लिए। तो आई थिंक मेरा जो अभिनंदन है वो लड़कियों की तरफ बहुत ज़्यादा है कि हम सभी ने, इंक्लूडिंग मी और वहाँ पे जितनी लड़कियाँ बैठी हैं, हम सब की एक स्ट्रगल स्टोरी है, हम सब ने लाइफ में बहुत मेहनत करी है और उस वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं। तो अगर यहाँ कोई और लड़की है तो अगर आपको कभी ये फील होता है कि शायद ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगी या ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो आई वुड से कि ऐसा कभी मत सोचिए। आप जो भी चीज़ चाहेंगे ज़िंदगी में वो आपको मिलेगी। मैं इसमें अपना एक पर्सनल एग्जांपल लेना चाहूँगी। सो मैं गांव देहात से बिलोंग करती हूँ और मुझे हमें हमेशा एक वो कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि सिंस हमारी एजुकेशन वैसे स्कूल्स में नहीं हुई जहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, वी वर नॉट गिवन अपॉर्चुनिटी जहाँ आप डांस सीखने जाओ, आप क्लासिकल सीखने जाओ, आपको एक्सटेम्पोर सिखाया जाएगा, आपको थिएटर की क्लासेस मिलेगी, वो अप्रोच हम लोगों के साथ कभी रहा नहीं। तो जो एक विदेश में पढ़ाई होती है वो एक बहुत बड़ी चीज़ हमको लगती है कि नहीं पता नहीं हमारा नहीं हो पाएगा। तो आफ्टर माई ग्रेजुएशन जब मैंने लेडी श्रीराम कॉलेज से किया, मैं IIT कानपुर गई, तो वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त UK में काम के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो मेरी बहुत दिली इच्छा थी कि मैं भी जाके देखूँ। एक वो तमन्ना होती है कि एक नया एक्सपीरियंस मुझे मिले, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे रोक रही थी कि अगर इन लोगों को नहीं मिल रहा है तो मुझे क्या मिलेगा।
यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, उनका रिज्यूमे तो 3-3 पेज का है, मेरा रिज्यूमे तो शायद आधे पेज में खत्म हो जाए। कौन सी ऐसी स्किल है जो मुझे आती है या नहीं आती है, ये सोच के मैं अप्लाई भी नहीं करना चाह रही थी। बट मेरे दोस्तों ने मुझे मोटिवेट करा तो उन्होंने बोला कि तुम कोशिश तो करो, तुम एक बार ट्राई करके देख लो, ट्राई करने में क्या जाता है। एंड आई अप्लाइड और भगवान का शुक्र है कि मुझे ना केवल एडमिशन मिला, मुझे स्कॉलरशिप मिली और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिला, मुझे PhD का ऑफर मिला। सो फ्रॉम दैट आई वुड से कि जस्ट बिकॉज आपका बैकग्राउंड कहाँ है ना, वो आपको डिफाइन नहीं करता। आपको ये डिफाइन करता है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं और जहाँ जाना चाहते हैं उसके लिए आप मेहनत कितनी करना चाहते हैं। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप एक एग्जाम, आप बेशक एक एग्जाम फेल कर जाए, ये एग्जाम इतनी बड़ी चीज भी नहीं है जितना बड़ा बना दिया गया है। आप मेहनत करें, काफी लोग ऐसे हैं जो नहीं क्लियर कर पाते हैं, लेकिन मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है कि जिसने भी मेहनत करी है वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। वो सिविल सर्वेंट ना बनके कोई पत्रकार बना है, कई बहुत सारे फेमस प्रोफेसर्स बने हैं और उन सब ने हमारे देश की सफलता में योगदान दिया है। तो इन दैट सेंस मैं कंक्लूड करना चाहूंगी कि आप सभी अपनी बेटियों को पढ़ाएं, और आप बेटियां आप कभी ये ना सोचें कि हम किसी में कमतर हैं। अगर कुछ भी करने की इच्छा है, कुछ भी, एक बार आप ट्राई कर लीजिए। जिंदगी में आप अगले 60 साल इस मलाल के साथ ना रहें कि मैं करती तो शायद हो जाता, ये मलाल जिंदगी में बहुत खा जाता है आपको, तो उसके मलाल में कभी ना रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यू तारे से बात कर रही हूँ। यू सी दिस गाय, दिस गाय नंबर 1 स्लीपलेस गाय। यू डू द वीवू वीवू। अरे हम पूरी रात को जाग कर शहर में चक्कर काटे हैं कि तू चैन से सो सके, पर तू फिर भी ना सोए। क्यों? हमारी थोड़ी तो कदर कर ले एंड स्लीप ऑन टाइम, रिस्पेक्ट अस। सारी जनवरी 2021 में शुरू कर दी थी और मैंने पहला अटेम्प्ट 2021 में ही दे दिया, जिसमें मैं 10 मार्क्स से प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया। और मेरा दूसरा अटेम्प्ट इसी साल मैंने दिया और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की कट ऑफ और मेरी आंसर की से मैच करके मैं अपना प्रीलिम्स इस बार भी 3 मार्क्स से क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि मैं इतना जान चुका हूँ 2 अटेम्प्ट और तैयारी के बाद कि मेरे पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, बल्कि वो भी तब जब मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी करी है, कोई कोचिंग कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी, घर पे पढ़ा है जैसे इशिता मैम ने भी पढ़ा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी एक ही मिस्टेक है कि आई एम नॉट एबल टू ट्वीक द नॉलेज अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द एग्जाम। सो हाउ कैन आई ट्वीक दैट? एंड सेकेंडली आई एम इन अ डायलेमा दैट शुड आई ज्वाइन अ फुल फ्लेश्ड टेस्ट सीरीज और आई शुड ज्वाइन अ कोचिंग, फुल फाउंडेशनल कोचिंग। थैंक यू। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कोचिंग ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन मुझे लगता है कि बिना कोचिंग के भी एग्जाम हो सकता है। मैंने खुद बिना कोचिंग के करा है। जैसे आप कहते हैं कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है, आई थिंक इस एग्जाम के लिए वही चाहिए होता है। सो व्हाट यू नीड इज प्रैक्टिस। और एस्पिरेंट्स को हेल्प करने के लिए मैंने एक ब्लॉग भी लिखा है जिसमें मैंने आंसर राइटिंग को डिटेल में डिस्कस किया है, मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही थी वो डिस्कस किया है, साथ ही अपनी इवैल्यूएटेड कॉपीज जो होती है, जो चेक्ड कॉपीज होती है, वो कम ही लोग शेयर करते हैं, लेकिन मैंने अपनी सारी कॉपीज चेक करी है, अपलोड करी है ताकि हेल्प हो सके एस्पिरेंट्स को। सो आप ब्लॉग देखिएगा और अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो मैं आपको ईमेल आईडी दे दूंगी, आप बिल्कुल उस पर मेरे को मैसेज कीजिएगा, आई विल रिप्लाई टू यू। बेटर समाज के लिए आप कैसे स्टैंड ले पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, उनका अपना एक इंटरेस्ट होता है, लक्ष्य होता है, उनका अपने एजेंडा होता है, तो उसको डील करते हो आप कैसे एक आम नागरिक या आम सोसाइटी, या जैसे कि अभी वो भी बात है जो किसान मूवमेंट या जो चीजें, कैसे आप डील करोगे उनसे, ये क्वेश्चन है मेरा। सबसे पहले तो सर आपका क्वेश्चन सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, बिकॉज हम जानते हैं कि इंडिया में ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बोल सकते हैं, इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं। तो मैं प्रेशर या फिर वो नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा इन्फ्लुएंस, ये हम जानते हैं इन्फ्लुएंस रहेगा, बट हमें हमारे सीनियर्स ने बोला है, अधिकतर डिटेल्स हमें जब सर्विस ज्वाइन करेंगे ट्रेनिंग में तब पता चलेगी, बट जितना हमारे सीनियर्स ने बोला है, जितने हमने अपने आसपास लोगों को देखा है कि एज ब्यूरोक्रेट्स एज सिविल सर्वेंट हम बस एक लोगों को एक ही बॉडी को आंसरेबल है, जवाबदेही है, वो है जनता।
सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी। इसलिए आपके जो पॉलिटिशियंस हैं उनको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, हम है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। हमारी लॉयल्टी रहती है कॉन्स्टिट्यूशन पे। हाँ, इससे मैं डिनाई नहीं करता हूँ कि एक हद तक इन्फ्लुएंस बिल्कुल होता है, बिकॉज हमारा काम है पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, प्रेजेंट करना। बट एट द सेम टाइम अगर आपको दिखेगा कि कोई डीएम है, कोई एसपी है, वो जनता के बीच में है, जनता का एक चीज सुन रहा है, तो बहुत हद तक अपना इनोवेशन भी रहता है। तो अधिकतर चीजें हमें जब हम क्षेत्र में जाएंगे, हम ट्रेनिंग में जाएंगे, तब पता चलेगी। बट यही पर्सपेक्टिव रहेगा कि, और यही आशा करता हूँ, यही आशीर्वाद आपका भी रहे कि जिस दिन रिटायर हूँ यही बोल के रिटायर करूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन देख के काम किया है मैंने। आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक अच्छे कार्यक्रम को इस कॉलेज के प्रांगण में आयोजित किया, और जो हमारे न्यूली रिक्रूटेड सिविल सर्वेंट्स हैं उनसे रूबरू होने का हमें एक अवसर प्रदान किया। मैं दो तीन बातें आपके बीच में रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो न्यूली रिक्रूटेड सिविल सर्वेंट्स हैं उनसे रूबरू होते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी एक बात यहां पर आई कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, अगर जो ब्यूरोक्रेट्स ये ठान लें कि हम किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में काम ना करके हम केवल काम करेंगे देश के लिए करेंगे, तो ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है जो कि आपको इन्फ्लुएंस कर सके। किसी पॉलिटिकल लीडर में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो संविधान के तहत काम करने वाले किसी सिविल सर्वेंट को हिला सके। ऐसे मैंने बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स देखे हैं जिन्होंने फर्मली अपना काम किया है। मैंने ऐसे सिविल सर्वेंट्स भी देखे, और मुझे बड़ा दुख होता है उस दिन ऐसे सिविल सर्वेंट्स को देखते हुए जिनके घरों पे रेड होती है और उनके घरों पे से काफी काफी धन संपदा जो है वो पाई जाती है। सिविल सर्वेंट बनने का जो मतलब है वो हम सबको समझना चाहिए। सिविल सर्वेंट आप बने हैं, आपको ईश्वर ने एक मौका प्रदान किया है ताकि आप इस देश के अंदर देश की सेवा कर सकें और उन सारी कुरीतियों को दूर कर सकें जो कि आज हमें देखने को मिलती है। इस देश को आगे बढ़ाने का आपको मौका मिला है, आपकी कलम में बहुत ताकत है, उस ताकत का इस्तेमाल देश को आगे बढ़ाने में किया जाए, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए किया जाए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो किसी भी डिस्पेंसेशन की हो, वो मैटर नहीं करती है। आपको देखना है तो सिर्फ और सिर्फ इस देश को आगे बढ़ते हुए जो भी आपके डिसीजन हो वो देश को आगे बढ़ाने के लिए होने चाहिए। यहाँ इस देश में, हिंदुस्तान में लड़ते हैं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जब भी कहीं कोई ऐसे बात होती है कि जहां किसान गरीब मजदूर के हक पर कहीं किसी सरमाएदारों का कोई डाका पड़ना है, कोई गलत काम होना है, उनके हक और हकूक पे कहीं कुछ, भले ही प्रचार प्रसार पर इतना जोर नहीं रहता, लेकिन जो गरीब की आवाज बनकर गरीबों की आवाज उठाए वो शख्सियत अपने आप में बहुत बुलंद होती है। ऐसे हमारे चौधरी युद्धवीर सिंह जी हमारे बीच में हैं और हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं अखिल भारतीय जाट महासभा के, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे ये नौजवान जिन्होंने देश की सर्वोच्च परीक्षा में सफलता हासिल की, सर्वप्रथम मैं इन बच्चों को बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनके उज्जवल भविष्य के लिए, ये अपने कामयाब हों, अपने देश का, अपने समाज का और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, आगे बढ़ें, ऐसी अपेक्षा हम इनसे करते हैं। टिकट दिए नहीं जाते हैं, सोशल एक्टिविस्ट को टिकट नहीं मिलता, टिकट बेचे जाते हैं, और खरीदार कौन होता है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत बड़ी चुनौती ये आप
खुश हो रहे हैं कि आप बहुत बड़े अधिकारी बन गए, बहुत ही कांटों की राह पे चलोगे आप भविष्य में, बहुत ही मतलब नालायक और निकम्मे लोगों से आपका वास्ता पड़ने वाला है जो आपराधिक परिवृत्ति के लोग हैं। तो इस पे चलना, मैं आपको ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आपको इतनी हिम्मत और शक्ति दे कि आप मजबूती के साथ उनका मुकाबला करके जो दायित्व आपको दिया है, समाज की जो अपेक्षाएं आपसे हैं, जो आशा और उम्मीद आपसे हैं, इन आशाओं पे आप खरे उतरेंगे, आपकी प्राथमिकता होगी। जो आखिरी पंक्ति का व्यक्ति जिसकी पहुंच सिस्टम तक नहीं है, आपकी नजर उस पे रहनी चाहिए, तो आप अपने दायित्व का सही तरीके से निर्वाह कर पाएंगे। टिकट दिए नहीं जाते हैं, सोशल एक्टिविस्ट को टिकट नहीं मिलता, टिकट बेचे जाते हैं, और खरीददार कौन होता है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत बड़ी चुनौती ये, आप खुश हो रहे हैं कि आप बहुत बड़े अधिकारी बन गए, बहुत ही कांटों की राह पे चलोगे आप भविष्य में, बहुत ही मतलब नालायक और निकम्मे लोगों से आपका वास्ता पड़ने वाला है जो आपराधिक परिवृत्ति के लोग हैं। तो इस पे चलना, मैं आपको ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आपको इतनी हिम्मत और शक्ति दे कि आप मजबूती के साथ उनका मुकाबला करके जो दायित्व आपको दिया है, समाज की जो अपेक्षाएं आपसे हैं, जो आशा और उम्मीद आपसे हैं, इन आशाओं पे आप खरे उतरेंगे, आपकी प्राथमिकता होगी। जो आखिरी पंक्ति का व्यक्ति जिसकी पहुंच सिस्टम तक नहीं है, आपकी नजर उस पे रहनी चाहिए, तो आप अपने दायित्व का सही तरीके से निर्वाह कर पाएंगे। ये मेरी आपसे पुणे में आपको बधाई देता हूं। दो बार हो जाएगा, तीन बार हो जाएगा, कोई नहीं। आप जिनके जिनके हुए, आप भाई जिनका हो गया, मेरा निवेदन है वो पीछे आ जाए, जिनका हो गया वो पीछे आ जाए। सिविल सर्विस का जो सफर रहा वो कैसा रहा, कितना मुश्किल रहा या कितना आसान रहा आपके लिए? मान दो घर में फोटो ले लेना, हर इंसान के लिए एक स्ट्रगल है, क्योंकि हम किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, चाहे किसी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से या अनप्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से, हर किसी की एक अलग कहानी है। और उसमें शायद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए रही वो मेरे माँ बाप का सपोर्ट और मेरे भाइयों का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा। ऑब्वियसली लड़कियों के लिए जर्नी बहुत ज्यादा टायरिंग हो जाती है, सिंस हम पे समाज के बहुत सारे एडेड प्रेशर, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट ऑब्वियसली हमेशा हो रही है, उसके अलावा रिश्तेदारों का प्रेशर बहुत ज़्यादा लड़कियों पे बहुत ज़्यादा खासकर रहता है, तो वो एक हमको और एक्स्ट्रा प्रेशर प्रोवाइड कर देता है। फिर मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो ह्यूमैनिटीज़ में स्विच करना अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। हमारे समाज में एक बहुत गलत परसेप्शन है कि साइंस डिफिकल्ट है, एक्चुअली नहीं, उससे ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें हमें समाज की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हमें पर्सपेक्टिव चाहिए अलग अलग, उसमें खाली रट के या समझ के काम नहीं होता, उसमें हमें अपनी समझ, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू डालना होता है, वो डिफिकल्ट हो जाता है जब हम सिविल सर्विस। कौन सी अटेम्प्ट में आपका क्लियर हुआ? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट था, तो आप थर्ड अटेम्प्ट में आपने क्लियर कर लिया, तो जो कैंडिडेट्स हैं लोग 5, 5, 6, 6, 8, 8 अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनको काफ़ी निराशा भी हो जाती होगी, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप, कैसे वो तैयारी करें या कैसे वो कंट्रोल करें? देखिए सर, डेफिनेटली है कि बहुत ज़्यादा निराशा हो जाती है, इसमें मुझे ये लगता है, ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है कि अगर हमारे पास एक बैकअप होता है, जैसे मैं पहले मैं बाकी जॉब्स के लिए प्रोफेसर की जॉब नहीं कर रही थी, फिर मैंने स्टेट सर्विसेज, राजस्थान स्टेट सर्विसेज की, तो जब आप किसी दूसरी जॉब में होते हैं तो आप बिना किसी प्रेशर के आप काम कर पाते हैं, तो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आती है। मुझे अभी भी ये लगता है कि जब अभी मैं कुछ दिन से छुट्टी पे हूँ अपनी जॉब से, पर जब मैं अपनी जॉब के टाइम पढ़ रही थी तो मैं ज़्यादा एफिशिएंसी से पढ़ पाती थी, क्योंकि सुबह उठते ही ये था कि अब पढ़ना है, टाइम यूटिलाइज करना है, एफिशिएंसी बहुत अच्छी आती है, और आपके दिमाग में वो प्रेशर नहीं रहता कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा करियर कहीं नहीं जा रहा है। सो इन दैट सेंस बैकअप का एक अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, से बात करने के लिए, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको।